चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक घरेलू मोर्चे पर, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर। कोविड पॉलिसी के कारण हजारों छात्र सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में भारत मिसाइल परीक्षण ने उसको सकते में डाल दिया है। यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भौंहें तानकर अपनी जासूसी जहाज को हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। रक्षा के मामले में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की रफ्तार देखकर चीन पूरी तरह से परेशान है। इस बीच भारत ने हिंद महासागर में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल के परीक्षण का ऐलान करके चीनी ड्रैगन को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन चीन से रहा नहीं गया और फिर से महाशक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 को हिंद महासागर के लिए रवाना कर दिया। दरअसल भारत ने हिंद महासागर में नाविकों को सतर्क करने के लिए एक नोटम जारी करके कहा है कि वो 15 से 16 दिसंबर के बीच एक प्रायोगिक व्हीकल का परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। भारत ने 5,500 किलोमीटर के लिए नोटम जारी किया है। माना जा रहा है कि भारत ने 5,400 किलोमीटर का नोटम जारी करके ये संकेत दिया है कि वो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ये भी अटकलें हैं कि भारत अपनी पनडुब्बी से दागी जाने वाली सबसे घातक K5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल चाहे अग्नि 5 हो या फिर K5, ये दोनों ही भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। इन किलर मिसाइलों के परीक्षण की कामयाबी ये सुनिश्चित करेगी कि भारत चीन के किसी भी हिस्से को कभी भी निशाना बना सकता है। भारत ने अक्सर अग्नि 5 मिसाइल का कम दूरी करके परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता आधिकारिक रूप से 5,400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल चीन की मुख्य भूमि के किसी भी हिस्से को तबाह करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि भारत इस मिसाइल की चीन तक मार करने की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक बार फिर से पूरी रेंज के साथ टेस्ट करने जा रहा है। भारत की इसी योजना को देखकर चीन घबरा गया और उसने अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को भेज दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही जासूसी जहाज है जो पिछले दिनों हिंद महासागर में आया था और श्रीलंका के हनबनटोटा बंदरगाह पर शरण ली थी। भारत और अमेरिका ने चीनी जासूसी जहाज का श्रीलंका में रुकने का कड़ा विरोध किया था। ये जासूसी जहाज चीन की सेना संचालित करती है और युआन वांग 5 जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूरी से मिसाइलों को सूंघने की क्षमता रखता है। गौर करने वाली बात यह कि चीन अपने महत्वाकांक्षी वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई छोटे देशों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया और उनको लालच दिया कि उनको भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा बनाया जाएगा। इसी के तहत चीन ने इन देशों को अरबों डॉलर का कर्ज दिया। ये कर्ज उसने जानबूझ कर दिया, लेकिन चीन ने अपनी चालाकी से इन देशों का सामरिक दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि से उपयोग किया और इसी का परिणाम है कि चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्बाधन आवागमन को रोकने का प्रयास किया। चीन ने इसी के लिए बांग्लादेश को कर्ज के बोझ तले दबाया और उससे चटगांव बंदरगाह लीज पर ले लिया। उसके बाद यही हश्र उसने श्रीलंका के साथ किया और उसके लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हनबनटोटा बंदरगाह भी लीज पर ले लिया। इसके साथ ही उसने अफ्रीका देश जिबूती को भी अपना सैन्य अड्डा बना लिया और अब उस पर जहाजों का आवागमन भी हो रहा है। चीन ने यह सब कुछ करके स्वेज नहर के मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कुछ समय पहले बंदरगाहों से जुड़ा एक कानून पारित किया था, जिसमें यह बताया गया था कि चीन की सामुद्रिक क्षेत्र से गुजरने वाले प्रत्येक जहाजों को यह बताना होगा कि उसने उस जहाज में क्या सामान ढोया। और इसीलिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने मिलकर क्वाड का गठन किया ताकि हिंद और प्रशांत क्षेत्र को किसी भी देश के नियंत्रण से मुक्त रखा जा सके। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।